ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ज्वेलरी की दुकान लूट करने वाले चोर को पुलिस तलाश में जुट गई है। घटना लखीमपुर खीरी का है, जहां रस्तोगी ज्वेलर्स के मालिक रस्तोगी अपनी ज्वेलर्स की दुकान बंद कर रहे थे, मगर शटर नीचे करते वक्त बैग एक चोर लेकर फरार हो गया, जिसमें सोने के जेवर और नकदी भी थे। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। बैग में करीब 3 लाख रुपए का माल बताया जा रहा है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोरी करने के बाद जब युवक भागता है, तभी एक बाइक सवार आता है और उस पर दोनों घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखें कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अपनी ज्वेलरी की शॉप बंद कर रहे थे, उस समय एक व्यक्ति आके इनका बैग चोरी से लेके भाग गया। इस संबंध में हम लोग मुकदमा कायम कर रहे हैं, जल्दी इसको वर्कआउट कर रहे हैं। तो लगभग कितने का माल गया था? लगभग उसमें 2.5 लाख का माल खरीदा। इसे पहला शटर हमने गिरा रहे थे एक साइड में, तो इतनी देर में एक लड़का हमारी दुकान के अंदर घुसा और हमारा ज्वेलरी का बैग उसमें कैश वो उठा के वो भाग गया। कितना ज्वेलरी होगी उसमें? ज्वेलरी उसमें लमसम 150 ग्राम सोने के आसपास है और 16,000 रुपये कैश है। 16,000 जी, सोने की ज्वेलरी है टोटल। तो क्या घटना हुई थी? मैं शाम को करीब 7:30 बजे के बाद अपना पहला शटर गिराया, एक तरफ का दो शटर हैं, मैं उसमें ताला लगाने लगा। इतनी देर में उधर सामने वाले शटर से वो व्यक्ति घुसा और हमारा बैग उठा के तुरंत एक मोटरसाइकिल पर भाग गया। मैं देख भी नहीं पाया, वो सामने वाले कैमरे में और बगल वाले कैमरे में आ गया। वही एडिशनल एसपी ने जल्द ही आरोपी को पकड़ने का भरोसा दिया है। गोला कोतवाली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।